बंगाल के भवानीपुर में अमित शाह का डोर टू डोर कैंपेन, घर घर जाकर अमित शाह लोगों से की मुलाकात। भवानीपुर में अमित शाह ने बीजेपी कार्यकर्ता के घर किया लंच, बीजेपी के संस्थापक सदस्य समरेंद्र के घर खाया खाना। ओवैसी के तंज पर शाह का पलटवार, कहा ओवैसी भी किसी हिंदू के साथ फोटो खिंचवा लें। कोलकाता में गृह मंत्री अमित शाह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ममता बनर्जी पर निशाना साधा, कहा सुरक्षा बलों पर दीदी का सवाल उठाना गलत। अमित शाह ने कहा बंगाल में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महिला सुरक्षा में बंगाल का हाल बेहद बुरा है। अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी अपना आपा खो चुकी हैं, लगता है कि ममता से अल्पसंख्यक वोट खिसक रहे हैं। जी मीडिया पर हुए हमले पर अमित सुरक्षा बलों के लिए की है, मुझे आश्चर्य है कि सार्वजनिक जीवन में मेरा बहुत लंबा समय गया है, मैंने ऐसी टिप्पणी कभी नहीं देखी। जी मीडिया पर हुए हमले पर अमित शाह ने कहा मीडिया और मीडिया कर्मियों पर हमला नहीं होना चाहिए। जी मीडिया पर हुए हमले पर अमित शाह ने कहा कि मीडिया और मीडिया कर्मियों पर हमला नहीं होना चाहिए। किसी पर हमला नहीं होना चाहिए, मीडिया पर भी नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भी नहीं होना चाहिए और चुनाव आयोग ने कठोर कदम उठाए। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा सोनार बांग्ला के लिए टास्क फोर्स बनाएंगे, ममता बनर्जी का काम विकास में रोड़ा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि सोनार बांग्ला के लिए टास्क फोर्स बनाएंगे, ममता बनर्जी का काम विकास में रोड़ा है। पीएम मोदी पर ममता बनर्जी का विवादित बयान, कहा मोदी को गले में रस्सी बांधकर मारना चाहिए। चुनाव आयोग के नोटिस के जवाब में ममता बनर्जी ने कहा कि मोदी रोज हिंदू मुस्लिम करते हैं, कितनी शिकायतें हुई, 10 नोटिस भी मिले तब भी अपने बयान पर कायम। पीएम मोदी पर बयान, ममता के बयान पर भड़की बीजेपी, केंद्रीय मंत्री नकवी बोले हार की बौखलाहट से दिए जा रहे ऐसे बयान। नंदीग्राम में ममता बनर्जी पर कथित हमले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है, याचिका में सीबीआई जांच की मांग की गई थी। ममता बनर्जी की बढ़ सकती है मुश्किलें, चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को नोटिस भेजकर मांगा जवाब, 10 अप्रैल तक ममता को देना होगा जवाब। केंद्रीय सुरक्षा बलों पर ममता बनर्जी के बयान के मामले में चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस, ममता बनर्जी को अब तक इलेक्शन कमीशन का दूसरा नोटिस। पीएम पर बयान पर जी हिंदुस्तान से बोले जेपी नड्डा, ममता बनर्जी की ये बौखलाहट है, बंगाल की संस्कृति से विरुद्ध है बयान। ये बौखलाहट भी है और बंगाल की चर्चा करने वाली, बंगाल की संस्कृति का जितना ह्रास उनके नेतृत्व में हुआ है उतना कभी नहीं। कोलकाता के भवानीपुर पुलिस स्टेशन के बाहर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के काफिले पर हमला किया गया, काफिले की 3 गाड़ियों को तोड़ा गया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत थाने में केस दर्ज करवाने गए थे, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में बीजेपी दफ्तर पर जमकर तोड़फोड़ की गई, बैनर और पोस्टर फाड़े गए, टीएमसी पर हमले का आरोप। दक्षिण 24 परगना में चुनाव में हिंसा फैलाने की बड़ी साजिश नाकाम, थैलों में भरकर तालाब में छिपाए गए थे बम। मिथुन चक्रवर्ती ने नॉर्थ 24 परगना में रोड शो किया, रोड शो में जन सैलाब उमड़ा। मिथुन चक्रवर्ती के रोड शो में दिखा लोगों का उत्साह, लोगों ने लगाए जय श्री राम के नारे, कहा बंगाल में बनेगी बीजेपी सरकार। कोलकाता में टीएमसी के गुंडों का तांडव, जी मीडिया की टीम पर फिर से जानलेवा हमला किया गया। जी मीडिया के कैमरामैन को टीएमसी के गुंडों ने बनाया निशाना, जी मीडिया टीम के कैमरे तोड़े। दक्षिण 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ता की दुकान में केरोसिन तेल डालकर लगाई गई भीषण आग, टीएमसी पर हमले का आरोप। टीएमसी नेता सुखेदु सरकार ने सीएम योगी के एंटी रोमियो वाले बयान पर किया पलटवार, कहा योगी जी को अपने राज्य की करनी चाहिए चिंता। सुखेंदु सरकार ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार होते हैं, हम 21वीं सदी में रहते हैं, हम अपने मां बहनों की इज्जत करना जानते हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, 24 घंटे में 7 आतंकियों को किया ढेर।
जम्मू कश्मीर के शोपिया में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई, मुठभेड़ में सभी 5 आतंकी ढेर। शोपिया में एनकाउंटर में 2 जवान भी घायल, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी, पूरे इलाके को किया गया सील। अवंतीपोरा के त्राल इलाके में मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए, पुलिस और सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन को अंजाम दिया। वसूली कांड पर बीजेपी नेता क्रीट सौम्या का ठाकरे सरकार पर हमला, कहा सीबीआई से भयभीत क्यों है ठाकरे सरकार। पीएम मोदी आज नीदरलैंड के पीएम मार्क रूटे के साथ करेंगे वर्चुअल शिखर बैठक, दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों को विस्तार से करेंगे चर्चा। पीएम मोदी ने उड़ीसा के पूर्व सीएम हरे कृष्णा मेहताब को दी श्रद्धांजलि, सीएम मेहताब की लिखी किताब उड़ीसा इतिहास का हिंदी ट्रांसलेशन का करेंगे विमोचन। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा पूरा जोर पूर्व भारत के विकास पर है, पूर्वी भारत के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जा रहा है। एनआईए दफ्तर में सीबीआई सचिन बाजे से कर रही पूछताछ, वसूली कांड में परमवीर सिंह की याचिका पर हो रहे सवाल जवाब। भारत और चीन के बीच आज पूर्वी लद्दाख में बातचीत, कमांडर स्तर की 11वें दौर की होगी बातचीत। कोरोना वैक्सीन को लेकर राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना, ट्वीट कर पूछा देश को खतरे में डालकर वैक्सीन का एक्सपोर्ट क्या सही है। राहुल गांधी ने कहा कि बिना पक्षपात राज्यों की मदद करे केंद्र सरकार, वैक्सीन की कमी उत्साह नहीं गंभीर समस्या है। बैठक में बोले हर्षवर्धन, देश में मृत्यु दर लगातार हो रही कम, लोगों ने कोविड नियमों का ढंग से पालन नहीं किया। कोरोना संकट पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ग्रुप और मिनिस्टर्स के साथ बैठक की है, कोरोना के हालात पर चर्चा फिलहाल चल रही है। कोरोना संकट पर लखनऊ में यूपी के मुख्यमंत्री योगी ने की बैठक, योगी ने टीम 11 के अधिकारियों के साथ कोरोना के बढ़ते मामलों पर चर्चा की। देश में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में रिकॉर्ड 1,31,000 से ज्यादा मामले, 780 लोगों की जान गई। देश में कोरोना के अब तक 9,79,000 से ज्यादा एक्टिव केस, अब तक 1,67,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर एक्शन में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रयागराज में संक्रमण के रोकथाम की तैयारियों की समीक्षा, आज वाराणसी में करेंगे समीक्षा बैठक। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आज से बरेली और सहारनपुर में भी नाइट कर्फ्यू, यूपी के कुल 10 जिलों में नाइट कर्फ्यू। मुरादाबाद में कोरोना से जागरूकता के लिए दिया अनोखा तरीका, कलाकारों ने यमराज बनकर लोगों से मास्क पहनने की अपील। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 56,286 मामले आए सामने, 376 लोगों की हुई मौत। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,938 नए केस सामने आए, जबकि 23 मरीजों की मौत हुई। नागपुर में कोरोना के 5,514 नए केस, पिछले 24 घंटे में 73 मरीजों की हुई मौत। दिल्ली में सर गंगाराम अस्पताल के 37 डॉक्टर कोरोना संक्रमित पाए गए, सभी को लग चुका है टीका। दिल्ली में 7,437 नए मरीज मिले हैं, जबकि 24 लोगों की हुई है मौत। बिहार में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ, पिछले 24 घंटे में 1,911 नए केस, लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की गई। छत्तीसगढ़ में 15 अप्रैल से नहीं होगी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं, सीएम बघेल ने शिक्षा मंत्री से की चर्चा, कोरोना के कम होने पर होगी चर्चा। मध्य प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की मारामारी, इंदौर में कोरोना संक्रमित मरीजों के परिजनों का हंगामा, भोपाल में भी जद्दोजहद, दवा व्यापारियों पर कालाबाजारी का आरोप। शामली के स्वास्थ्य केंद्र पर बुजुर्ग महिलाओं को कोरोना वैक्सीन की जगह लगाया एंटी रेबीज टीका, एक महिला की हालत बिगड़ी, डीएम ने दिए जांच के आदेश। हाथरस में पैसों के लेन देन को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ, पुलिस ने केस दर्ज किया। प्रतापगढ़ में दबंगों ने पुलिसकर्मियों को दी वर्दी उतारने की धमकी, पर्चा दाखिले में भीड़ लेके जाने से मना करने पर भड़के, पुलिस ने मामला दर्ज किया। मुख्तार की पत्नी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, 2 हफ्ते बाद होगी सुनवाई। अलीगढ़ में एक स्कूटी के चारपाई से टकराने के बाद विवाद, जमकर चले लाठी डंडे, 6 लोग घायल, घटना का वीडियो हुआ वायरल। ग्रेटर नोएडा में पैसों के लेन देन को लेकर दो गुटों में मारपीट हुई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, थाना प्रभारी ने दिए जरूरी कार्रवाई के निर्देश। आगरा के शाहगंज में 3 तलाक का मामला, पत्नी का आरोप शौहर ने मारपीट के बाद दिया 3 तलाक, दोनों के बीच होते थे झगड़े के स्तर। उन्नाव में पुलिसकर्मी का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ, वारंट से राहत देने के नाम पर मांगे 10,000 रुपए, 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए। मुजफ्फरनगर नेशनल हाईवे पर ट्रक में आग लगने से हड़कंप, ट्रक चालक और परिचालक ने कूदकर बचाई अपनी जान, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका।
कानपुर का बिकरू गांव एक बार फिर से चर्चा में, 5 से 6 गाड़ियों के साथ प्रचार कर रहा था प्रत्याशी, रोकने पर पुलिसकर्मियों से भिड़े लोग, एक युवक हिरासत में। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने रमजान में कोरोना प्रोटोकॉल का अमल करने को कहा, मस्जिद में 100 से ज्यादा लोगों के आने पर भी मनाए। मंडला में ट्रक के साथ टक्कर में कार के उड़े पड़खचे, हादसे में 3 लोगों की मौत हुई जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ। टाइगर स्टेट में फिर गूंजी किलकारी, पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघिन ने जन्मे 2 नन्हे शावक, मां के साथ अटखेलियां करता वीडियो वायरल। रीवा में निलंबित एसडीओ की करतूत, घर में मचाया तांडव, अपने ही समधी के पैर में गोली मारी, वीडियो वायरल हुआ, गन पॉइंट पर परिवार को बनाया था बंधक। देवास में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की अपने पति की हत्या, पत्थर से सिर कुचलकर की हत्या, पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार। अहमदाबाद के एक प्राइवेट स्कूल में आग लगने से हड़कंप मचा, आग पर काबू करने की कोशिश जारी। लालू यादव की बेल पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई टली, सीबीआई ने 1 हफ्ते का मांगा है वक्त, 16 अप्रैल को होगी मामले की सुनवाई। पटना में स्कूल बंद करने पर विरोध, स्कूल एसोसिएशन ने 12 तारीख के बाद स्कूल खोलने का ऐलान किया, शिक्षा मंत्री ने सुरक्षा को बताया सबसे बड़ी प्राथमिकता। तेजस्वी ने फिर उठाया विधानसभा में विधायकों से वसूली का बदसलूकी का मुद्दा, बिहार में नेता प्रतिपक्ष ने राज्यपाल को लिखी चिट्ठी, राज्य सरकार को बर्खास्त करने की मांग। कर्नाटक में आज 3rd दिन भी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की हड़ताल जारी, ट्रांसपोर्ट कर्मचारी वेतन में दोबारा संशोधन की कर रहे हैं मांग। आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की भिड़ंत, शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को आईसीसी ने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया, राशिद खान और सीन विलियम्स के नाम भी शामिल। आज से शुरू हो रहे आईपीएल में हिंदी समेत 7 भारतीय भाषाओं में होगी मैचों की कमेंट्री, 100 कमेंटेटर्स संभालेंगे जिम्मा। जहीर खान को पीयूष चावला पर भरोसा, बोले मुंबई इंडियंस के युवा स्पिन गेंदबाजों के काम आएगा अनुभव। चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ काशी विश्वनाथन ने किया खुलासा, ये धोनी का आखिरी आईपीएल नहीं होगा। समंदर किनारे से सामने आई जानवी कपूर की तस्वीर, जानवी ने खुद सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें। जन्मदिन के मौके पर स्वरा भास्कर ने काटा केक काटते हुए रोने लगी स्वरा, वीडियो हो रहा है वायरल। जया बच्चन का जन्मदिन आज, अभिषेक बच्चन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर मां को बधाई दी। दिलजीत दोसांझ ने शेयर किया नया फनी वीडियो, अलग अलग जगहों पर थिरकाते दिखे अपने कदम, भांगड़ा करते भी दिखे दिलजीत। फिर उर्वशी रौतेला ने इंस्टाग्राम पर बिखेरा अपना जलवा, रेड ड्रेस और गुलाब के फूल के साथ दिखा उर्वशी का जुदा अंदाज। टोनी कक्कड़ और श्रेया घोषाल का नया गाना ओ सनम हुआ रिलीज, गाने में टोनी संग हिबा नवाब भी आई नजर, कुछ ही घंटों में गाने को मिले लाखों व्यूज। सड़क किनारे सोनू सूद ने चखा लेमन सोडा का स्वाद, वीडियो शेयर कर कैप्शन में लिखा लेमन सोडा नहीं पिया तो क्या पिया। दिशा पाटी ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया नया वीडियो, वीडियो में दिखा दिशा का ग्लैमरस अवतार, फैंस ने की दिशा के लुक की तारीफ। एक बार फिर अमेरिका के टेक्सास में अंधाधुंध फायरिंग की गई, एक व्यक्ति की मौत हुई जबकि 5 लोग घायल हुए, इंडस्ट्रियल पार्क की घटना। फ्रांस में कोरोना की तीसरी लहर का कोहराम, डॉक्टरों ने दी युवा मरीजों की मृत्यु दर बढ़ने की चेतावनी, स्थिति चिंताजनक। मिस में पुरातत्वविदों को मिली बड़ी कामयाबी, लक्सर के पास एक प्राचीन शहर का पता चला है, 3400 साल पुराना शहर होने की आशंका है। सुपरमार्केट में घुस गई बेहद बड़ी छिपकली, सामान गिराते हुए चढ़ी ऊपर, वीडियो देख चकराया लोगों का सर। महिला ने स्विमिंग पूल में दिखाए कमाल की करतब, वीडियो देख दंग रह गए लोगों ने की महिला की तारीफ।